हेलो बच्चों, क्लास 9 के लिए कुछ ट्रिकी क्वेश्चन लेके आज मैं आया हूँ। तो जरा ध्यान से देखिए, व्हाट है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप जरा इनको ध्यान से देखेंगे, 10 क्वेश्चंस हैं, इनमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको करना है, बाकी की प्रैक्टिस आप करेंगे। तो देखते जाए कैसे करना है। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 + 2 √2 और उसके ऊपर अगेन रूट है, क्लियर है। तो हम इस क्वांटिटी को रूट थ्री करेंगे। कैसे करेंगे? तो यानी ऊपर वाले रूट को हटा देना है, ठीक है, सारा तो हटेगा नहीं, ये देखेंगे आप कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अंडर रूट टू है यहाँ पे, तो इसको क्या लिखेंगे, रूट टू का स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, यानी थ्री को मैंने तोड़ दिया है दो भागों में, रूट टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर वापस थ्री हो जाएगा। और प्लस ध्यान से देखते जाइए, ये हटा रहा हूं यहां से मैं लाइन को, ये ट्रिक है, 2 × इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, ये देखिए पूरा का पूरा मिल रहा है 2√2 × 1। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, a² + b² + 2ab, जो कि किसका होल स्क्वायर होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है। तो ये ट्रिक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 2 + 1 का होल स्क्वायर, और ये देखिए ये रूट थ्री हो गया, √2 + 1 इज योर आंसर, क्लियर है। तो ये ट्रिक है, किस तरह से लगानी है आप देख लीजिए। और ले लेते हैं इसमें से, आप कोई सा भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल माइनस वाला ले लेता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए अब आप, इट इज 7 - माइनस है यहाँ पर, तो -2√10। आप ये वाला 7 क्वेश्चन बाद में देख लेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए √10 है, तो 10 है किस तरह से आएगा ये, तो आप देखें 5 को मैं इसको 7 को तोड़ सकता हूं, अंडर रूट 5 का स्क्वायर और अंडर रूट 2 का स्क्वायर में। तो देखिए 5 × 10 आ रहा है, ये ट्रिक है, आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बैठेगा नहीं आपके। अब ये मत पूछिए कि सर आप इसको कैसे भी कर रहे हैं आप, ये तो ट्रिक है बच्चों, आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सारी मैथ्स ट्रिक से होती है, ठीक है। ये अपने आप ये बताएगा किसमें तोड़ना है, ठीक है, इसको लर्न नहीं कर सकते हैं आप। तो यहां पर देखिए √5 × √10 √2 और 10 बन रहा है ये, देखिए आप। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, ये बन गया 5 √5 - √2 का होल स्क्वायर, और आपका आंसर आ गया √5 - √2। अब बच्चों एक चीज और ध्यान रखेंगे यहां पर, कि a - b का होल स्क्वायर b - a के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप यहां पर ध्यान रखिए, अगर ऑप्शन में आपके पास में √2 - √5 दिया हुआ है इन केस, तो ये भी सही है और ये भी सही है, नोट कर ले इस चीज को आप अच्छी तरह से, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई है मैंने, और यहां पर खतरे का निशान लगा लीजिए इस तरह से, कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है आपको, कि a - b का स्क्वायर b - a का स्क्वायर होता है। तो नोट कर लें, इनकेस ये ऑप्शन ही नहीं हो आपके पास में, ऑप्शन ये हो तो राइट यही होगा, क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, देखिए √3 - x√10 = ये दिया हुआ है हमारे पास में। तो आप क्या करेंगे, हियर द सॉल्यूशन, यहां पर सॉल्यूशन क्या करेंगे आप, √13 होल √ है ये, x√10 = √8 + √5। आप क्या करेंगे यहां पे, इंपॉर्टेंट स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए ये हो गया 13 - x√10 = √8 + √5 2, इट इज a + b का होल स्क्वायर, इसे खोल लेते हैं अपन, 8 स्क्वायर √8 स्क्वायर 8 हो गया, √5 स्क्वायर 5 हो गया, प्लस 2 √2 × √8 × √5, क्लियर है। तो यहां पर देखेंगे आप, ये हो गया आपका, इसको खोला तो ये तो सिंपल सा 3 - x √10,
ये आ गया आपके पास में, ऊपर से रूट हट गया, ये रूट ने रूट को कैंसिल, रूट ने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, ये हो गया 13 प्लस, ये हो गया 8 by 13 प्लस। अब यहां से 4 बाहर आ गया, देखिए आप कैसे आ गया, ये 8 को लिख सकता हूं मैं 2 into 2 रूट 2 और रूट 5। अब आप यहां पर देखिए ये हो गया 13, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 root 2, क्लियर है, नोट कर ले ये चीज आप, ठीक है। अब ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 और रूट 2 इंटू रूट 5 क्या बन जाएगा, रूट 10 बन जाएगा। तो यहां पर देखिए 13 माइनस एक्स रूट 10, 13 से 13 गया काम से, हमारे पास में रह गया माइनस एक्स रूट 10 इज इक्वल टू रूट 4 अंडर रूट 10। अब रूट 10 को नीचे भेज दीजिए आप, तो x इज इक्वल टू 4 रूट 10 अपॉन माइनस रूट 10, कट गया ये माइनस 4, आपका आंसर आ गया। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप इस तरह से कीजिए, और ये क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आप करेंगे, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके दो आंसर निकल सकते हैं, एक आंसर तो आपका ये निकल सकता है 14 एक आंसर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर हो सकता है, तो इसका दूसरा आंसर आपका आ सकता है वो है रूट 6 से रूट 6 में, यानी रूट 6 में एक आंसर आएगा आपका, तो वो आप खुद करेंगे, देखेंगे रूट 6 में क्या आंसर आएगा आपका, क्लियर। जब आप एक्सचेंज करेंगे b माइनस a लिख के करेंगे तब वो आंसर अलग आएगा, नोट कर लें ये चीज आप, तो दोनों आंसर निकालेंगे आप इसके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये हॉट लेवल के क्वेश्चन है, यानी आपको अपनी रीजनिंग बढ़ानी पड़ेगी बच्चों, और दूसरी बात ये बच्चों ये सफिशिएंट नहीं है, वीडियो के द्वारा मैं तुम्हारे कंसेप्ट जरूर क्लियर कर रहा हूँ, जिस तरह से हर एक क्वेश्चन आपने देखा यूनिक है, हर बच्चा भी यूनिक है, इसी तरह से कंपटीशन लेवल पे हर एक क्वेश्चन जो आएगा वो अलग हटके आएगा, उसके लिए आपको पर्सनल मेंटोर की जरूरत होगी बच्चों। तो आपको मेरी सलाह ये है बच्चों कि मैं जितना YouTube के द्वारा आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ये काफी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा आपको खुद भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।